हड्डियों से आती है कट कट की आवाज़, तो तुरंत खाना शुरू कर दें। ये तीन चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे चीज़ों का नाम बताने वाला हूँ, खाने का तरीका बताने वाला हूँ, जिनसे कई सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके चेहरे पर चमक नहीं है, बहुत जल्दी आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं, साथ साथ आपका पैखाना से साफ नहीं होता है, कब्ज़ की बीमारी रहती है, पेट में गैस बनता है और आपके शरीर के अंदर कमजोरी सी रहती है, चलते हैं फिरते हैं थक जाते हैं, या फिर बैठे रहते हैं जब खड़े होते हैं तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आने लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, समय से पहले हमारे स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती है। तो आज के इस वीडियो में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं दोस्तों अखरोट। अखरोट के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 12 और विटामिन 6 के अलावा इसके अंदर फोलेट बीटा कैरोटीन भी होता है, इसके अंदर विटामिन के होता है। शायद ही कोई ऐसा विटामिन हो जो इस अखरोट के अंदर नहीं पाया जाता हो। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और बाज़ार में आपको दो तरह के अखरोट मिलते हैं, एक तो मिलता है पैकेट बंद जिसमें अखरोट को इस तरह से निकाल दिया जाता है, दूसरा आता है खड़ा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कोशिश करना चाहिए दोस्तों, जब भी आप बाज़ार में जाएँ तो आप पैकेट बंद जो इस तरह से अखरोट आते हैं इसका प्रयोग ना करें, इसे ना लेकर खाएं, आप खड़ा अखरोट को लेकर के आएँ, ये बहुत ही हेल्दी होता है। ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जो अखरोट आते हैं इसके अंदर से तेल निकाल लिया जाता है, और इस तरह के अखरोट जो होते हैं इनके अंदर के जितने भी गुण होते हैं वो सब के सब होते ही होते हैं। तो दोस्तों, अखरोट पोषक तत्वों का भंडार होता है, अखरोट दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों अखरोट जो होता है शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करता है, और जो अच्छे क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बढ़ाता है। इसके साथ साथ यह हमारे खून की शुद्धि भी करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ ये जो अखरोट है दोस्तों, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उम्र ढलने के बाद जब जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है शुरू हो जाए तो आपको अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, अंदर से मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये हमारे हड्डियों को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसके साथ साथ अखरोट जो होता है दोस्तों, यह हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, यहाँ तक कि दोस्तों अखरोट कैंसर जैसे बीमारी से भी बचाव करता है। तो अखरोट का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की, तो दोस्तों ये है नारियल, सूखा नारियल। सूखे नारियल के ऐसे फायदे हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे। इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर विटामिन होता है, खनिज, एमिनो एसिड, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है। नारियल में फाइबर की काफ़ी मात्रा पाई जाती है जो कब्ज की समस्या से निजात दिलाता है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट को सही रखता है, हमारे दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ ये जो नारियल है दोस्तों, ये भी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित सेवन करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती है। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, तो आपको ये जो नारियल है सूखा, इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे चीज़ की बात करें तो दोस्तों ये है बादाम। बादाम के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। इसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है। बादाम दोस्तों हमारे दिल के साथ साथ हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसका नियमित सेवन करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती है, तो वहीं हमारे बालों का झड़ना कम होता है, हमारे चेहरे पर पिंपल्स नहीं रहते हैं, हमारा स्किन ग्लो करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप 5 बादाम को लेकर के भिगो करके सुबह सुबह इसके छिलके को उतार करके खा सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो आप अखरोट को इस कवर से निकाल करके पानी में भिगो करके सुबह सुबह खा सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये जो गिरी है दोस्तों इसे भी सुबह सुबह खा सकते हैं पानी में भिगो करके, रात्रि में भिगो दें, सुबह सुबह इसका सेवन करें, पूरा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ इसका प्रयोग करने के अन्य कई सारे तरीके हैं, आप इनका प्रयोग पकवानों के रूप में कर सकते हैं, खाना बनाते हैं उस समय कर सकते हैं। इनका प्रयोग करते रहने से हमारे बालों का झड़ना कम होता है, हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स व फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। नमस्कार दोस्तों।